हेलो तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको 50 वाट के पैनल से और कैसे जो है वो आप एक या दो सीलिंग फैन चला सकते हैं, या उससे आप कैसे जो है वो घर का लोड को चला सकते हैं, इस वीडियो में आपको A to Z बताऊंगा और समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। मेरा नाम मदार, आप देख रहे हैं टेक्निकल मदार। आपको इस चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरे इस चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आप कहीं से भी लेना चाहते हो 50 वाट का पैनल, तो उसको जो है वो 20 एम्पियर की बैटरी ही लेना और प्लस 1.5 mm का तार लेना। और मैं टोटल जो भी बात करूंगा वो डीसी ही बात करूंगा। डीसी सीलिंग फैन के बारे में बताऊंगा और डीसी लाइटों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि डीसी लाइट और डीसी सीलिंग फैन ये जो है वो डीसी बैटरी और पैनल के लिए अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप बड़ा सीलिंग फैन AC वाला चलाते हो तो वो आपका 50 वाट पैनल से कभी नहीं चलेगा। अगर कुछ लोग जो है वो YouTube पे दिखाते हैं कि 50 वाट से पूरे घर का लोड चलाइए, ये सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट आप जो है एक 50 वाट का पैनल और एक कंट्रोलर और एक 20 AH की बैटरी से दो सीलिंग फैन DC वाले आराम से चला सकते हो 2, 4, 5, 6, 8, 10 घंटे तक। फ्रेंड्स, कैसे? पहले हम आपको दोनों चीजों का अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं, दोनों चीजों की प्राइस बताएंगे कि कितने का आपको मिल जाएगा, कम से कम कितने का प्राइस का मिल जाएगा, तार वगैरह साथ में कितने का मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी लेना चाहते हो अपनी शॉप के लिए या किसी छोटी सी दुकान के लिए, तो आप ले सकते हो 50 वाट का पैनल। उसके साथ कौन सी बैटरी लगाना चाहिए, पहले मैं आपको बैटरी और पैनल दिखा देता हूँ, फिर आप आराम से समझ जाओगे और आप ले सकते हो। फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। दोस्तों, अभी हम अपनी शॉप पर हैं, ठीक है। जिस पैनल की मैं बात कर रहा हूँ वो अमेज कंपनी का 55 वाट का पैनल है और सोलर PV मॉडल है। तो हमें दोस्तों कुछ बातें ध्यान रखना है कि ये शीशा होता है और इसको ही टूटने की कोई गारंटी नहीं होती है। और आप देख सकते हो 55 वाट पावर 12 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट का होता है और 324 वाट या 300 वाट के जो भी पैनल आते हैं वो 24 वोल्ट में आते हैं। 25 ईयर्स की वारंटी वारंटी केवल इसकी होती है। पहले मैं इसको निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, तो मैंने इस पैनल को बाहर निकाल लिया है। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ये मेक इन इंडिया का है, अमेज सोलर अमेज कंपनी का है और इसका ये सीरियल नंबर है। इस सीरियल नंबर से ही पहचान होगी कि आपका ये पैनल है और आपका ये बिल पे भी सीरियल नंबर होगा, तो दुकानदार बाद में दिक्कत ना आए किसी प्रकार की। और फ्रेंड्स, इसमें हमें कनेक्शन करना होता है, इसमें से तार डालना होते हैं और प्लस का प्लस अंदर से ज्वाइन करना होता है और माइनस को माइनस से। और 55 वाट का ये पैनल है, आपको ये करंट जो है वो 2-3 एम्पियर समथिंग, अगर ज़्यादा अच्छी धूप है तो 3 एम्पियर समथिंग करंट दे देगा आपको, 3-3.5 एम्पियर तक। मेड इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट का पैनल है 50 वाट का, जैसे कि ये लगभग 2-2.5 एम्पियर आपको करंट दे रहा है। और एक DC फैन जो आता है बैटरी वाला, वो आपका लगभग 4 एम्पियर करंट लेता है, 3 या 4 एम्पियर, 3 एम्पियर आराम से लेता है और 2 फैन यानी 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर करंट जब हम बैटरी को, इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। अभी मैं आपको बैटरी भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड, मैं अपनी शॉप पर हूँ तो मैंने बैटरी जो है वो ये वाली बैटरी लगाई है इस पैनल के साथ। ये 20 AH की बैटरी है, इस बैटरी को आराम से ये 50 वाट का पैनल भर देगा। और मैंने साथ ही साथ एक्साइड का 10 एम्पेयर का कंट्रोलर भी लगाया है। ये मैं कॉम्बो में सेल करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ID पर जाके मुझसे पूछ सकते हो या आप मंगा भी सकते हो। होम डिलीवरी पे कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 50 वाट का ये पैनल, 55 वाट का ये पैनल, उसके साथ एक 10 एम्पेयर का कंट्रोलर और उसके साथ साथ ये जो है एक बैटरी, ये टोटल सिस्टम जो है वो 2700 रुपये का है। अभी मैं आपको बैटरी भी अच्छे से निकाल के दिखा देता हूँ। इस बैटरी का गारंटी कार्ड है, 1 साल की फुल गारंटी है, मतलब 1 साल में कोई भी फॉल्ट आता है तो बैटरी आपको नहीं मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, मैं बैटरी फ्रेंड्स मैंने बैटरी निकाल ली है। ये पारस कंपनी की 20 AH की बैटरी है, इस बैटरी को ये पैनल आराम से चार्ज कर देगा और अच्छी खासी धूप निकलती है, इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे हम बैटरी वाले लाइट्स भी चला सकते हैं और DC वाले बैटरी वाले फ़ैन आते हैं सीलिंग फ़ैन, वो भी चला सकते हैं। नीचे टेबल फ़ैन आते हैं, उसको भी हम चला सकते हैं, मतलब 1-2 फैन आराम से चला सकते हैं। DC वाले, AC वाले इससे फ़ैन नहीं चलेंगे। फ्रेंड्स, इस बैटरी की कीमत आप 1350 रुपये मानिए और 1350 रुपये इस पैनल की प्राइस मानिए।
और उसके साथ साथ ये कंट्रोलर फ्री है। और इसके साथ अगर आप तार लेते हो तो तार के अलग आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लगभग 100 या 150 या 200 जितने का भी तार लेते हो। फ्रेंड्स ये कॉम्बो में 2700 रुपये का सेट है, आप आराम से बाय कर सकते हो, ले सकते हो फ्रेंड्स। और इसकी होम सर्विस मिल जाएगी आपको, मतलब आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी, उसका चार्ज आपको अलग देना होगा, 100 150 200 जितना भी चार्ज होगा फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, मेरे पास और भी बैटरीज की नॉलेज मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इन्वर्टर बैटरी अगर आपको चाहिए होम डिलीवरी तो वो भी मैं शॉप पर मिल जाएगी, आप मुझसे कर संपर्क कर सकते हो इंस्टाग्राम। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 बार इससे आप बैटरी से डीसी वाले एक या दो फैन चला सकते हैं। जैसे आपने 2 घंटे फैन को नहीं चलाया बिल्कुल ही, जैसे दिन में बाई चांस ऐसा होता है कि हम 12 घंटे यूज करते हैं फैन, वरना 2, 4, 6 घंटे ही इस्तेमाल करते हैं जब धूप ज्यादा होती है और गर्मी होती है। तो फ्रेंड्स इससे आप आराम से ऊपर वाले सीलिंग फैन डीसी वाले चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइट भी जला सकते हैं, और आप अपनी इसकी छोटी सी शॉप पर भी लगा सकते हैं इसको। बहुत ही सस्ता सेट है फ्रेंड्स, इससे आपको जो है वो लाइट की बचत भी होगी। अगर आप सीलिंग फैन लाइट वाले हटाकर डीसी वाले लगाते हैं फ्रेंड्स तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम की आईडी जी है, इस पर जाके मुझसे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स।